हेलो डॉक्टर। हेलो, आपकी क्या प्रॉब्लम है? एक मिनट जरा, मैं पहले सेल्फी ले लेती। अब मैं इसे पोस्ट कर देती हूँ। #doctor, #hospital, #bimar, #prayforme, पोस्ट। सॉरी डॉक्टर, मैंने आपको इतना वेट कराया, पोस्ट डालना भी तो जरूरी है ना। कुछ भी। अच्छा अच्छा, तो अब बताएं कि आपकी क्या प्रॉब्लम है? वो डॉक्टर, कल से ना मेरे पेट में बहुत दर्द कर रहा है। अच्छा, तो आपने क्या खाया था? आई बर्गर, फ्राइज, कोक एंड मामा मिया फार्म हाउस पिज़्ज़ा। दादा ड्रामे मत करो, ये हॉस्पिटल है, फेसबुक और इंस्टाग्राम नहीं। अभी खून और पेट की टेस्ट में सब सामने आ जाएगा कि क्या खाया था। सच सच बता दो डॉक्टर। लौकी और रोटी। आपने तो मेरे सबके सामने बेइज्जती कर दी। अब मैं इस हॉस्पिटल में कभी वापस नहीं आऊंगी। देखा, मैं कैसे सब पेशेंट की सच्चाई सामने ले आती हूँ। और हाँ, आप लोग भी मेरे क्लिनिक में आ सकते हैं अपॉइंटमेंट लेके। इसकी फीस ज्यादा नहीं है, बस 8-9 हज़ार है। तो चलिए अब देखते हैं मेरा नेक्स्ट पेशेंट कौन है। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते शर्मा जी, ये लीजिए मेरी रिपोर्ट। क्या मैं बैठ जाऊँ? नहीं, अब नाचिए। ठीक है। अरे क्या कर रहे, बैठिए बैठिए। शुक्रिया। मुझे आपको बड़े दुख के साथ बताना पड़ेगा कि आपको मलेरिया है। यकीन है कि मुझे मलेरिया है? दरअसल मैंने एक मरीज के बारे में पढ़ा था जिसका डॉक्टर मलेरिया का इलाज करते रहे, और जब वो मरा तो पता चला उसको टाइफाइड है, टाइफाइड है, टाइफाइड। रुको जरा, सबर करो। शर्मा जी, आप बार बार खड़े क्यों हो जाते हैं? बैठ जाइए, बैठ जाइए। और हाँ, चिंता मत करिए, हमारे हॉस्पिटल में ऐसा कभी नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। अगर हम किसी पेशेंट का मलेरिया का इलाज करते तो वो मलेरिया से ही मरता है, यही तो हमारे हॉस्पिटल की खासियत है। यही तो हमारे हॉस्पिटल की खासियत है कि जिस पेशेंट को जो बीमारी होती है वो उसी बीमारी से मरता है। डॉक्टर साहब, मेरी जान बचा लीजिए। अरे अरे, क्या हुआ डॉक्टर? मेरे मुंह में छिपकली चली गई है। क्या, आपके मुंह में छिपकली चली गई है? जब छिपकली आपके मुंह में जाती तो आपका मुंह बंद क्यों नहीं किया? अरे गलती हो गई ना, मैंने सोचा जो पहले कॉकरोच अंदर गया था उसी छिपकली लेके बाहर आ जाएगी, अब वो आए नहीं। आप तो सलूशन दीजिए ना। मैं तुम्हें एक सांप दे दी हूँ, फिर उस सांप को तुम अपने मुंह में डाल लेना, फिर वो तुम्हारे मुंह के अंदर जाके छिपकली और कॉकरोच को खा लेगा। अरे थैंक यू की क्या बात है, सॉल्यूशन देना तो मेरा फर्ज है। अब मेरे क्लिनिक बंद करने का टाइम हो गया है, तो अगर आपको ये हमारी स्किट अच्छी लगे तो हमें वोट करना।